सोनाक्षी सिन्हा की मेहंदी की रस्मों की तस्वीरें आई सामने, लेकिन उसमें नहीं दिख रहा है सोनाक्षी के परिवार का कोई भी। अब लोग इसी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जल्दी शादी करने वाले हैं अर्जुन कपूर? चाचा अनिल ने खोल दिया राज। दरअसल हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में जब अनिल कपूर से पूछा गया कि कपूर खानदान में अब अगली शादी किसकी होने वाली है, तब उसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, होपफुली अर्जुन। दीपिका पादुकोण ने शेयर किया कल की 2898 एडी का नया रिलीज ट्रेलर। धूम मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है फिल्म। शादी के बाद अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे सोनाक्षी सिन्हा, होने वाले ससुर ने कही बड़ी बात। दरअसल सोनाक्षी के धर्म परिवर्तन वाले मुद्दे पर जहीर के पिता इकबाल रतन सिंह ने कहा, दिल मिल रहे हैं, इसमें धर्म का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने आगे कहा, शादी हिंदू या मुस्लिम रीति रिवाजों से नहीं, बल्कि ये एक सिविल मैरिज होगी। सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग मामले में बड़ी अपडेट सामने आई है। रिपोर्टेडली आरोपियों के फोन से मिली है लॉरेंस बिश्नोई के भाई की रिकॉर्डिंग। फॉरेंसिक जांच में हुआ बड़ा खुलासा। कार्तिक आर्यन की जमकर तारीफ की करण जौहर ने। चंदू चैंपियन को कहा उनकी करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस। सारा अली खान ने किया शॉकिंग खुलासा। रिपोर्टेडली उन्होंने कहा कि केदारनाथ के प्रोड्यूसर्स ने उन पर 5 करोड़ रुपए का केस कर दिया था, क्योंकि उनकी एजेंसी ने कुछ डेट सिम्बा को दे दिए थे। इस दौर को अपने जीवन का सबसे कठिन दौर बताया सैफ की बेटी ने। कल की 2898 एडी के बिके बॉक्स ऑफिस राइट्स। खबरों के मुताबिक बॉक्स ऑफिस राइट्स बेचकर फिल्म ने कमाए 385 करोड़ रुपए। जुनैद खान की डेब्यू फिल्म महाराज आई नेटफ्लिक्स पर। करण जौहर ने की तारीफ, साथ ही उन्होंने फिल्म की दुनिया में किया जुनैद खान का स्वागत भी। जैकी भगनानी के प्रोडक्शन हाउस पूजा एंटरटेनमेंट पर सैलरी न देने, अनप्रोफेशनल व्यवहार का लगा आरोप। जंगल की आग की तरह फैली ये खबर।